से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। प्राइम 80 न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद में कल देर शाम गांव की नदी पार कर भंडारा खाने गई चार चचेरी बहनों में से दो की नदी में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। जैसे ही पूरे मामले की जानकारी ग्रामीणों को मिली तो तत्काल मौके पर पहुंचकर नदी में डूबी हुई लड़कियों की तलाश शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही पूरे संबंधित मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई, लेकिन वह ग्रामीणों की माने तो घटना की सूचना देने के बाद लगभग 6 घंटे बाद पुलिस प्रशासन घटनास्थल पर पहुंचा और पहुंचते ही मोर्चा संभाला। घंटों की मशक्कत के बाद नदी में डूबी हुई दोनों लड़कियों के शव को पानी से बरामद किया गया। ग्रामीणों में इतना आक्रोश था कि लड़कियों के शव को रखकर उन्होंने विरोध जताया। वहीं दूसरी तरफ पुलिस के आला अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर घटना का मुआयना किया, साथ ही ग्रामीणों को घटना का दोषी होने वाले लोगों पर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। परिजनों को सरकारी सहायता राशि उपलब्ध कराने की भी बात कही। हमें क्या जानकारी है और किस तरह की अभी कुछ बच्चे जो है ग्राम खपटिया कला से के नदी पार करके भंडारा खाने जा रहे थे। चार बच्चियां थी जिसमें दो फिसल करके गहरे पानी में डूब गई, जिसकी दर्दनाक मृत्यु हो गई है। गांव वालों में थोड़ा आक्रोश था, उनको समझा बुझा दिया गया है। जो शासन की तरफ से अनुमन्य सहायता राशि है 4 लाख रुपए, वो एडीएम साहब द्वारा घोषणा की गई थी। पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद उनको 4-4 लाख रुपये मिलेगा और अब डेड बॉडी को हटवा दिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। क्या नाम है? मेरा हाँ मेरा रफीक से। आज कपटिया कला की नदी में भैया दो बच्चियां खत्म हुई हैं, कैसे क्या मामला हो गया, कैसे क्या हुआ? बड़वा से रहने आए थे। हाँ अच्छा, तो नदी में दो लड़कियां डूब गई हैं। हाँ, दो डूब गए हैं, दो बच गए हैं। अच्छा, दो बच गए, चार लड़कियां गई हैं। चार लड़कियां। अच्छा, तो मड़वा सराने आई थी यहाँ पर जी, तो नदी में डूबने से मौत हो गई है।